एवन पंजाबी टीवी देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। हुण नज़र मारदे अज दियां खास खबरां ते सब तो पहला गल करांगे दुनिया भर विच फैल रही महामारी दी। दुनिया भर विच कोरोना दा कहर लगातार जारी है। मरीजां दी गिनती वध के 44 लाख तो पार हो चुकी है, जदों की 3 लाख दे करीब लोकां दी कोरोना वायरस करके मौत हो चुकी है। अमेरिका विच कोरोना पीड़ितों की गिनती वध के 14,30,348 हो गया, जदों कि इस भयानक बीमारी कारण 85,197 लोगों की मौत हो गई है। पाकिस्तान विच पीड़ितों की गिनती 35,000 तो पार हो चुकी है, जदों कि 770 लोगों की कोरोना वायरस करके मौत हो चुकी है। रूस तो 2,42,271 लोगों के पीड़ित होने की खबर मिली है, जदों की 2,212 लोगों की मौत हो चुकी है। जेकर गल भारत की की जाए तो भारत में पीड़ितों की गिनती 78,000 तो पार हो चुकी है। पिछले 24 घंटिया 3,722 नवे मामले सामने आए हैं। इस दौरान 134 लोगों की मौत होने तो बाद मौतों का कुल आंकड़ा 2,549 हो गया। पंजाब विच कोरोना दे मरीजों की गिनती 1924 हो गया, जदों की मौतों का आंकड़ा 33 हो गया। दक्षण पूर्वी दिल्ली के एक पुलिस थाना इंचार्ज विच वीरवार को कोरोना वायरस इन्फेक्शन की पुष्टि हुई है। पुलिस ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने दसा कि थाना इंचार्ज के संपर्क में आने वाले 5 लोगों को एकांतवास में रखा गया। यूपी के मुजफ्फरनगर विच वापरिया वड्डा हादसा, सरकारी बस ने कुचले 10 मजदूर, 6 दी होई मौत, 2 दी हालत नाजुक। बस चालक ने किया होया सी नशे का सेवन। लुधियाना च अज कोरोना के 4 नवे मामले सामने आए ने। सिविल सर्जन राजेश बग्गा ने जानकारी देंदे हुए दसा कि पटियाला के GMC तो 3 पॉजिटिव मरीजों की रिपोर्ट बुधवार देर रात मिली, जदों की 1 सैंपल की रिपोर्ट DMCH तो वीरवार को प्राप्त हुई है। कोरोना वायरस लॉकडाउन विचाले पाकिस्तान आर्थिक संकट नाल जूझ रहा है। देश दे प्रधान मंत्री इमरान खान पहला ही कह चुके ने कि लॉकडाउन दी वजह कारण होए आर्थिक नुकसान दी भरपाई नू रिलीफ पैकेज देने लई पाकिस्तान कोल भरपूर बजट नहीं है। इस दरमियान पाकिस्तान फौज ने सैलरी वधाउण दी मांग कीती है। पश्चिमी बंगाल विच कोरोना दा कहर, 41 सफाई कर्मचारी मिले पॉजिटिव। इस सूबे विच पिछले 24 घंटिया 117 नवे मामले सामने आने तो बाद मरीजा दी कुल गिनती 2,290 हो गई है, जदों की 9 लोगों की मौत हुई है अते हुण मौतां दी कुल गिनती 135 हो गई है। भारतीय रेलवे ने 30 जून 2020 नूं जां उस तों पहला यात्रा करन लई बुक कीतियां गईयां सारियां टिकटां नूं रद्द कर दित्ता है। रेलवे वल्लों 30 जून 2020 तक सारियां बुक कीतियां गईयां टिकटां दा पूरा रिफंड दित्ता जा रहा है। हालांकि रेलवे ने कहा कि मजदूर स्पैशल ट्रेनां चलदियां रहणगियां। दस दईए कि भारतीय रेलवे ने कोरोना वायरस दे संकट दरमियान 12 मई तो 15 जोड़ी स्पैशल ट्रेनां नूं चलाउणा शुरू कीता सी। इन्हां ट्रेनां विच सफर लई ऑनलाइन टिकटां बुक कीतियां जा रहियां सन। इस दरमियान भारतीय रेलवे ने 30 जून 2020 तक उस तों पहला बुक कीतियां सारियां टिकटां नूं रद्द कर दित्ता है। मध्य प्रदेश विच इक 55 साला टीचर ने अपनी 16 साल दी बेटी नाल हाथ पैर बन के किया रेप। मां भी दिंदी सी आरोपी दा साथ, पुलिस ने दोवां नूं किया गिरफ्तार। अमृतसर तो यूपी लई 7वीं ट्रेन हुई रवाना, 1200 यात्रियों का सफर तो पहला किया गया मेडिकल टेस्ट। फिरोजपुर भारत पाकिस्तान बॉर्डर से CIA स्टाफ की पुलिस ने 7 किलो 700 ग्राम हैरोइन की बरामद। बरामद की गई हैरोइन की अंतरराष्ट्रीय बाजार कीमत 39 करोड़ दसी जा रही है। पटियाला तो आई वड्डी खबर, कोरोना नाल जंग जीत। रजिंद्रा हस्पताल तो 7 लोग वापस परते अपने घर, लोगों ने ढोल बजाते ताड़िया मार के किया स्वागत। लुधियाना च 2 बाइक सवार हमलावारा ने घर विच दाखिल होके गोलियां चला प्यो पुत ते किया हमला, नौजवान दी होई मौत, प्यो हस्पताल विच जेरे इलाज। मोगा च विजिलेंस विभाग ने 80,000 रुपए रिश्वत दे मामले विच जेई किया गिरफ्तार। पीके फिल्म दे अदाकार साई गुंडेवार दी ब्रेन कैंसर नाल होई मौत, अमेरिका विच लिया आखिरी सां। लंबे समय तो कोरोना नाल जूझ रही भारतीय मूल दी महिला डॉक्टर पूर्णिमा नायर दी इंग्लैंड विच होई मौत। केरल दी मूल निवासी नायर इंग्लैंड विच काउटी डरहम दे विशप आकलैंड विज स्टेशन व्यू मेडिकल सेंटर विच निभा रही सी सेवावां। मैं अपने ए मोढ़ियां ते गोढ़ियां तो बहुत दुखी सी। मेरे लई तां तुरना फिरना भी इन्ना औखा होया सी, मैं दस भी नहीं सकदा। पर जद तों मैनूं फिर रिलीफ मिलिया
ढाई तीन महीने इस्तेमाल करने तो बाद गोडे भी ओके मोडे भी ओके। जी तुसी भी किसी इस तरह की बीमारी तो परेशान हो तो बेझिझक होकर इस इस्तेमाल करो। सिर्फ ढाई तीन महीने ये 125 बीमारियां तक का इलाज कर सकता है। फी रिलीफ हमेशा याद रखो। बस कुछ दिनों तो मैनू बालों की बड़ी समस्या सी, मेरे बाल झड़ने शुरू हो गए सी। मैनू मेरे दोस्त ने ऑयल फी रिलीफ वाले दसिया, मैं ये तेल 3 महीने लाना अपने सिर पर अप्लाई किया। ये बिल्कुल आयुर्वैदिक तेल है, यदा कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो मेरे बाल जोड़े गंजपन पैना शुरू हो गया से दोबारा आने लग गए, तो मैनू तो बड़ा फायदा दिता इसने। जे तो भी किसी इस तरह की प्रॉब्लम का सामना कर रहे हो तो यह तेल लाना ना भुलो। कितना कितनी असं अपने बालों करके शर्म फील करते हैं, कितनी सोसाइटी बैठे हैं कि कोई मजाक ना कर रहा है, पर थैंक्स टू फ्री लिव जिन्हें मेरा एक कॉन्फिडेंस बिल्ड किया, जिसे लगाने मैं मार्केट से बड़ा ही कॉन्फिडेंट हाँ और ये मैं बड़ा फायदा होया। तो मैं सर्वाइकल की भी दिक्कत सी, तो वो भी मैं बड़ा रिलीफ मिले। ये यूज़ करो तो मैं प्रैक्टिकल यूज़ कर रहा।